करनाल के आरकेपुरम एरिया में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें उसने अपनी पत्नी समेत ससुराल के 5 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। युवक ने अपनी पत्नी, ससुर, बिचौलिया समेत 5 लोगों के नाम अपने सुसाइड नोट में लिखे हैं जिन्हें अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। सुसाइड नोट के आखिर में युवक ने लिखा है कि मैं पुलिस प्रशासन से यह आग्रह करता हूं कि इन 5 लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं दूसरी ओर परिजनों का भी कहना है कि अपनी पत्नी और उसके परिजनों से तंग आकर संदीप ने सुसाइड किया है। बताया जा रहा है कि युवक संदीप की पत्नी उससे तलाक लेना चाहती थी जिसको लेकर वह बहुत परेशान चल रहा था। युवक का तनाव इतना अधिक बढ़ गया कि उसने आत्महत्या का रास्ता अपना लिया। युवक की मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मृतक के परिजन पोस्टमार्टम रूम में शव को लेने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान मृतक के परिजनों ने कहा कि युवक के खिलाफ उसके ससुराल वालों ने झूठे केस दर्ज करवा रखे थे। युवक को बहुत अधिक उत्पीड़ित किया जा रहा था। इस दौरान परिजनों ने युवक के ससुराल वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। परिजनों का कहना है कि पुलिस को सुसाइड नोट के मुताबिक आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। उधर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी, दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। खैर कुछ भी हो, पति पत्नी के झगड़े ने एक परिवार का बेटा छीन लिया। आलम यह है कि परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इसे जब की शादी हुई ना, सब के परेशान चल जाए जी। शुरू में बहु वहाँ से सामान सुमान लेके बाजी है, उधर पकड़ रही है, वही अपना नौकरी कर रही हो। कोई ससुराल वालों के नाम? हाँ, ससुराल वालों के नाम है। क्या कहा है? ससुराल वालों के नाम है, इसके ससुरे का है। तंग कर रहे, परेशान था? हाँ, परेशान था जी, बहुत झूठे केस बना बना के लगा रखे जी इसके ऊपर, लड़के के ऊपर झूठे केस बना बना के लगा रखे थे। अच्छा, ये बेहद परेशान था। अच्छा। और अब ये मतलब इसने बताया है नहीं लड़के ने घर वालों को, लेकिन पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं हुई, राम जाने। इसको इतना परेशान, इतना टॉर्चर किया हुआ था कि इसने फांसी लगाई है, लेकिन इनसे पक्ष वालों से तंग हो गया लगाई। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं भी इनके खिलाफ होनी चाहिए। क्या नाम आपका? जो वो लिख के गया लड़का, वो सारा जो कुछ उसके ऊपर लिखत के ऊपर ही कार्रवाई होनी चाहिए। जो वो ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.